जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको मनाजर दिखा रहा हूँ ये भिम्बर नाला के हैं और हम अपने इलाके के हिसाब से इसको मुख्तलिफ ज़बानों का इस नाले के नाम दिए जाते हैं। जैसे इसको भिंडर भी बोला जाता है और जो हमारे इलाके से गुजरता है हम इसको कप बोलते हैं, कप में पानी आ गया। तो इसी तरह नाज़रीन आप देख सकते हैं इस वक्त हालिया दिनों में जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से ये भिम्बर नाला में तो यानी आप देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी तेज़ पानी का बहाव है। जब ये बारिश भिम्बर के ऊपर जो पहाड़ है वहाँ पे बारिश होती है तो ये बारिशों का पानी जो है इन नालों में आता है। इसकी दो ब्रांच हैं, एक दौलता नगर से हवासपुर की तरफ हो जाती है जो कि बाद में स्थानियों वाले पुल के पास जाके इस ब्रांच के साथ मिल जाती हैं और फिर ये दरिया चनाब के अंदर जाके फिर ये पानी गिरता है। तो ये दोनों ब्रांच है, जो दूसरी ब्रांच है वो दौलता नगर से पहले कोटला से होते हुए ये गोवाल है गाँव, इसके पास ब्लेसर गांव है, इसके आगे बाबी डेर से होता है, वह भी स्थानीय वाले पुल के पास जाके ये फिर दरिया चनाब में जाके गिरते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं मौजूदा सूरत हाल भिम्बर नाला के। और जब ये पानी आता है तो बहुत ज़्यादा ज़मीनों का कटाव होता है और काफ़ी जो ज़मीनों का नुकसान भी होता है। हमारी हुकूमत वफद से अपील है कि जल्द जल्द इसके आगे बंद कराया जाए और ताकि ये ज़मीन जो है काश्त वाली ये किसानों का जो गाँव के रहने वाले लोग हैं उनका कम से कम नुकसान हो। इस वक्त आप देख सकते हैं भिम्बर नाला के मनाजर के साथ, मुझे दीजिएगा इजाज़त।